नमस्कार, न्यूज 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां शराब को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सत्ताधारी दल का कहना है कि बीजेपी के राज में छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बह रही थी, तो बीजेपी का कहना है कि मौजूदा सरकार में तो घर घर भी शराब बिक रही है। आज चर्चा इसी मसले पर होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराब को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दरअसल हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों के लिए नाम सुझाने की अपील की थी। बस क्या था, छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस ने तंज भरे अंदाज में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का नाम सुझा दिया। इतना ही नहीं, बकौल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाने के लिए रमन सिंह को पद्म पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश से डॉक्टर रमन सिंह जी को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित किया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो उनकी मेहनत से शराब की नदियां बहाई गई, वो पूरे 15 साल में बाकी कुछ काम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ को पूरा शराब के मैं करने में, शराब में डुबोने में अगर किसी का योगदान है तो डॉक्टर रमन सिंह जी और उनकी सरकार का योगदान है। उधर सत्ताधारी दल ने रमन सिंह पर व्यंगवार चलाए, तो इधर विपक्षी बीजेपी ने न सिर्फ जोरदार पलटवार किया बल्कि जोश खरोश में वो शब्दों की मर्यादा भी भूल गई। जो कांग्रेस की सरकार है उससे तो अच्छी नीति थी, उस समय कम से कम कोचिए तो शराब नहीं बेचते थे, आज तो घर घर में शराब बिक रही है। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार को तो मेरा कहना चाहिए आने वाले समय पर जनता जो है वो सबक सिखाएगी, ये पुरस्कार के लायक नहीं है। जो लातों के देवता वो बातों से नहीं मानते। बहरहाल शराब पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन सच तो ये है कि छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या मौजूदा सरकार हो, पिछले 20 सालों में न सिर्फ शराब की खपत बढ़ी है बल्कि शराब से सरकारों की आमदनी भी दिन दूनी रात चौगनी होती रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस बीजेपी का यही दावा है कि उनकी सरकारें शराबबंदी को लेकर गंभीर रही हैं। टीम न्यूज 8। तो बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही नरेश गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से प्रेस रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है नरेश जी आपका भी। नितिन भंसाली जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है नितिन जी आपका भी। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जो आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है। अब इसको लेकर सियासत भी काफी हमने छत्तीसगढ़ में देखी है, आप किस तरीके से देखते हैं? आप तो घोषणा पत्र में पूर्ण तरीके से शराबबंदी को भी शामिल किया गया था, लेकिन जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं बीते दिनों, शराब की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वास्तविकता ये है कि न रमन सरकार और न वर्तमान सरकार शराब पर बहुत ज्यादा नियंत्रण कर पा रही है। जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी उनको ही ये चला पा रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा दिखाने के लिए कहते हैं और शराबबंदी हम करेंगे ये बात पर ये कायम है, ऐसा ये घोषणा करते हैं। घोषणा के अनुरूप इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। अभी समय बाकी है, इनका कहना है कि हम जरूर करेंगे, हमारे पास समय है अभी। और सरकार के विपक्ष में जो बैठे हैं उनका ये कहना है कि आपने शराबबंदी का वायदा किया था कि तुरंत करेंगे, फिर क्यों नहीं कर रहे, गंगा जल लेकर कसम खाई थी। अब इस बात को हम छोड़ दें तो मेरा कहना यह है कि न रमन सरकार, न योगी सरकार और न वर्तमान सरकार शराबबंदी पूरी तरह से कर पाएगी। मेरा व्यक्तिगत विचार तो यही है, क्योंकि आदिवासी समाज हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और आदिवासियों का शराब से नाता रिश्ता जो है वो पूजा पाठ तक जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे इनको क्लियर करेंगे, इस बात को कैसे साफ करेंगे और जनता में जागरूकता कैसे लाएंगे, आदिवासी समाज को कैसे मनाएंगे, ये डॉक्टर रमन सिंह के सामने भी ये प्रश्न था और आज भी ये प्रश्न है और ये प्रश्न कैसे सुलझेगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, इसमें जो है समाज एक बुराई है, समाज के लोग ही इसको जागरूकता पैदा करें और जब लोग छोड़ेंगे शराब पीना तब शराबबंदी की ओर बढ़ेगा। अगर वैसे शराबबंदी अचानक कर दी जाए
मैं समझता हूँ कि जो अभी पिछले दिनों हुआ था 6-7 लोगों की मौत हो गई थी, गलत गलत चीजें उन्होंने पी ली थी, जहर पी लिया था, तो इसलिए जो है बहुत सोच समझकर इसके लिए कदम उठाना होगा। और ये जो कोचिया वाली बात है बिल्कुल सही है, कोचिए उस वक्त भी बिकते थे, एक बार जरूर बंद हुआ था, लेकिन पहले भी कोचिए काम करते थे, कोचिए आज भी काम करते हैं। लेकिन हाँ, इस बार जो है सुनने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा जो है कोचियों का असर बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको रोकना जो है सरकार का काम है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं ये लोगों से जुड़ा हुआ इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं जहां महुए का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, खासतौर से आदिवासी इलाकों में। अब इसको किस तरीके से आखिर बंद किया जाए, अगर एकदम से बंद किया जाता है तो लोग इसका विरोध भी जताएंगे और फिर गलत तरीके से इसको फिर शुरू किया जाएगा, तो एक नीति यहां पर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नितिन भंसाली जी, ठीक है, हम बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखते हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से अगर करनी है तो बहुत जरूरी है एक लॉन्ग टर्म विजन, और जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब आपके पास वक्त ही कितना बचा, 2.5 साल जिस तरीके से हो चुके सरकार को, अब इसके बाद इलेक्शंस को भी आप समय देंगे, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो वादा आपने घोषणा पत्र में किया था उससे आप पूरा करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो इस मसले को भुना भी रही है कि घोषणा पत्र में जो वादा किया गया उसको आखिर आप कब निभाएंगे? देखिए करिश्मा, बीजेपी ने खुद के वादे तो पूरे किए नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हैं। 36 वादे किए थे घोषणा पत्र में, जिसमें से 24 पूरे कर चुके हैं हम। तो शराबबंदी है, जो बाकी वादे बचे हैं उसमें शराबबंदी का वादा भी सरकार ने किया है और हम करेंगे। जनता ने जनादेश 5 वर्षों के लिए दिया है, 2.5 वर्ष हो चुके हैं, इन 2.5 वर्षों में शराबबंदी की दिशा की, और ऐसा नहीं है कि हमने 2.5 वर्षों में काम नहीं किया है। आप मेरे बीजेपी के जो भी प्रवक्ता साथी बैठे हैं उनसे पूछिएगा कि शराबबंदी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें आज तक 10 बार पत्राचार करने के बावजूद ये कमेटी में अपने विधायकों का या सदस्यों का नाम क्यों नहीं दे रही? बिल्कुल मेरी समझ से परे, एक एक नोटबंदी और जीएसटी के जैसे शराबबंदी नहीं की जा सकती। शराबबंदी करनी है ये तय है, हमारे घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख है और निश्चित तौर पर करेंगे। शराबबंदी इस राज्य में होगी पर गुजरात और बिहार के जैसी नहीं होगी। बंद मतलब बंद, अभी आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी जैसे कोचिए काफी बढ़ गए, बोल रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो मैं ये बता दूं कि कोचिए वही है जो 15 सालों में पनपे थे, जो कि अब पकड़ में आ रहे हैं, पकड़ा रहे हैं, करके ये साबित हो रहा है कि कोचिए है। कोचियों को भी छुटाने लगाया जाएगा। अब प्रदेश में शराबबंदी होगी, जो घोषणा पत्र में जो हमने वादा किया है ये पूरा करेंगे, पर हाँ टेक्निकली रूप से सारी चीजों को देखकर समझकर ये फैसला लिया जाएगा, तो जल्द लिया जाएगा, उसका मैं वचन देता हूँ। ठीक है, नरेश गुप्ता जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से रमन सिंह की भी सरकार रही हमने देखा कि उस समय कोशिशें हालांकि की गई, लेकिन अगर हम उस समय से अब तक के आंकड़े देखें तो शराब की खपत काफी ज्यादा बढ़ी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो दोनों ही सरकार का दायित्व बनता है, हालांकि अब कांग्रेस का शासनकाल है, 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि समितियों का गठन किया गया है और ये समितियां अपने लेवल पे काम कर रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये हाइपोक्रेसी पे आधारित सरकार है, हाइपोक्रेसी वाली सरकार है। गंगा जल को लेकर सौगंध खाते हैं कि सत्ता में आते ही हम शराबबंदी कर देंगे, ये गंगा जल का अपमान करते हैं। देखिए रहा तक सवाल है शराबबंदी को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, तो मुझे लगता है इनको कोचिया रत्न और बिचौलिया रत्न, इनके सत्ता पे लोग बैठे हैं, कोचिया और बिचौलिया रत्न, इनको इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। कोचिया रत्न और बिचौलिया रत्न से ये किस लाइन पे बात करनी है, क्या मर्यादा की लाइन है? या मैं सिर्फ उनके जो माननीय मंत्री जी ने जो बोला ना उसके काउंटर में ये शब्द बोल रहा हूँ और बहुत पीड़ा के साथ बोल रहा हूँ, उनकी सम्मान की शब्दों के साथ वो कैसा बात कर रहे हैं, उनको होश नहीं है। वो सत्ता में आने के बाद माननीय मंत्री जी ये भूल चुके हैं कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। नरेश गुप्ता जी, लेकिन अजीब सी विडंबना है, 2.5 साल हुए हैं, उनका ये कहना है कि कहां लेके जा रहे हैं। जी जी, जो पूरा कार्यकाल होगा उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसको आगे भी बता रहा हूँ जी। देखिए इनके माननीय आबकारी मंत्री जी बोलते हैं चुनाव के 3 महीने पहले हम शराबबंदी कर देंगे। जब शराबबंदी की बात की जाती है
तो उनके संस्कृति मंत्री क्या जवाब देते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। वाकई में ये भैरी सरकार है जिसको सुनाई नहीं देता है, जिनको तमीज और तरहीज नहीं है बात करने की और सम्मान की बात करने की, इनको तमीज और तरहीज। ठीक है, नितिन भंसाली जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं। सम्मानित किया जाता है। आज आपके इस डिबेट में जो शुरू में जो स्टोरी चल रही थी उसको मैंने देखा, तो इन्हीं के पूर्व मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ये लातों की भाषा समझते हैं, ये कौन सी मर्यादा है। तो जिन पहले माननीय बृजमोहन जी ने बड़े अरे कौन सी मर्यादा, किसने चौबे जी ने क्या बोला, तो वो खाना चौबे जी ने क्या बोला ये तो बता दो, पेट्रोल डीजल का उपयोग में रविंद्र चौबे जी ने क्या बोला ये बता दीजिए। माननीय मायावती जी ने 15 वर्षों तक 400 करोड़ रुपया आज ही मर्यादा बताइए, 3 महीने पहले शराबबंदी 2004 में शराबबंदी में आपको सुनाई नहीं देता आपके मंत्री, इनकी मर्यादा है के लोग। ठीक है, भाषा की आप मर्यादा बनाए रखें और मैं चाहूंगी कि एक एक करके अपनी बात रखें, संक्षिप्त में अपनी बात रखेगा, समय की भी मेरे पास कमी है। नरेश गुप्ता जी, क्योंकि अभी 2.5 साल ही हुए हैं, चाहे तो हम ये सवाल आपसे भी पूछ सकते हैं कि आपने आखिर अब तक क्या नीति अपनाई, आपका तो 15 साल का शासनकाल रहा है। देखिए, हमने किसी दिन गंगा जल को अपमानित करने की सौगंध नहीं खाई थी। हमने ये डिसाइड किया था कि ग्रेजुअली इसको कैसे कंट्रोल करना है। ये देखिए, सौगंध लेकर लोगों को गुमराह कर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया हमने। ये जो शराब बिक्री को लेकर जो निचले स्तर की बयानबाजी कान में सुनाई नहीं देता, इनके संस्कृति मंत्री और खाद्य मंत्री को 3 महीने पहले शराबबंदी कर देंगे, और जो भाषा शैली कांग्रेस का ये कहना है कि पूरी तरीके से अगर शराबबंदी करेंगे तो अवैध तरीके से शराब प्रचारी होगी, विपक्ष उस पर भी सवाल उठाएगा। आप मेरा एक सवाल पूछिए और आपको आपको यूपी का शराब रायपुर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नौ जिले वो शराब बिकता है यहाँ पर। ये पूरा कोचिया आधारित सरकार हो गई है, शराब पूरे कोचियाओं के हाथ में चल रहा है, लॉकडाउन रहता है, जिन कोचियों को यहाँ पर शराब परोसी जाती है, कंप्लीट लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, शराब चल रही है, गोली चल रही है, पार्टी हो रही है, ये सरकार का चाल चरण और चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के घर घर शराब वाली सरकार हो रही है, घर घर हर घर इस सरकार का नाम है, घर घर शराब हर घर शराब। ठीक है, एक एक करके अपनी बात मैं प्रश्न करना चाहता हूँ इनसे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता शराब के पक्षधर हैं? नरेश भैया जवाब दें। नरेश गुप्ता जी, हाँ नाम जवाब दीजिए। नरेश गुप्ता जी, आप देखिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चल रहा है, आप बोले तो मैं भी हाँ या ना में जवाब दे पूछता हूँ, जवाब देंगे आप पूरा प्रश्न करो, मैं पूरा जवाब देता हूँ। खुला मंच देती हूँ ना सर, आपको मैं खुला मंच देती हूँ। ठीक है नरेश गुप्ता जी, आपको मैं खुला मंच देती हूँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आप शराबबंदी करेंगे 15 वर्षों में 4 करोड़ के रेवेन्यू को 5 करोड़ पर पहुंच गया, बहुत सा अवार्ड है, बड़े से बड़ा अवार्ड दिया होटल में घटना हो, बिजली को बढ़ाने और शराब नदी में क्या समुन्द्र के जैसे बहाने के मामले सौगंध किसने खाया, किसने सौगंध खाया गंगा जल को लेकर, हम शराब बिक्री सत्ता में आते ही क्या? अरे पर शराब हमने तो नहीं खाया ना, मेरी बात समझिए, कहीं सत्ता में आते ही शराब बिक्री बंद कर देंगे, गुस्सा आएगा। ये क्या है, कितने किस मर्यादा का उपयोग किया, इनके कितने शराबबंदी की आप किस भाषा शैली का उपयोग किया, कहाँ कहाँ पर शराबबंदी है बताइए, बताइए कहाँ पर शराबबंदी है, मर्यादा रखिए, निकृष्टता की भी लिमिट रखती है, किन निकृष्ट भाषाओं का शराबबंदी हुई है, जब उसका जवाब उसी रूप में मिलता है, आप सब बिना गर्व होता है। नरेश जी, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए इस पैनल में, बाबूलाल शर्मा जी आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, अब क्या लगता है, क्योंकि अभी तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन बस एक बड़ा सवाल यही है, क्योंकि घोषणा पत्र में वो बिंदु शामिल हैं, अब उसको पूरा करना ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं कि एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए और कई कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन क्या लगता है आपको, पूरी तरीके से शराबबंदी संभव हो पाएगी?
मैंने पहले कहा मेरा विचार व्यक्तिगत है, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जी। वचन दिया है वैसे सरकार की तरफ से नितिन बंसाली जी ने आज कि मैं वचन देता हूं कि बंद करेंगे, विश्वास किया जाना चाहिए कि सरकार की तरफ से बोल रहे हैं तो करेंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि शराबबंदी पूरी तरह से पूर्ण रूप से हो पाएगी, चाहे वो बाद में भारतीय जनता पार्टी भी सरकार आ जाए तो पूरी शराबबंदी संभव इस प्रदेश में नहीं है, और वो एक लालच का विषय हो गया है, आकर्षण का विषय हो गया है, उसकी उसके लिए लोग हर सरकार कहती है हम शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि दुकानें कम की जा सकती है, शराब के दर बढ़ा करके हताश करने का प्रयास किया जा सकता है, और दूसरी एक मैं बात कहूं कि जो राजनीति में शब्दों की मर्यादा छूट रही है ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं प्रदेश के लोगों नेताओं को गलत इसलिए नहीं मान रहा हूं मर्यादा छोड़ने के लिए, क्योंकि पूरे देश के ये हालात है, मर्यादाएं शब्दों की रोज टूट रही है, प्रतिदिन टूट रही है, तो जो ऊपर से सिखाया जा रहा है वो इधर भी सीख रहे हैं, क्यों ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। मैं इस बात को विचार करता हूं तो कुछ समझ में आता नहीं कि आखिर ऐसी भाषाओं को क्यों लोग बोलते हैं राजनीति में, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका, ऐसे शब्दों की मर्यादा लातों की बहुत बातों से, और ऊपर भी बहुत सारी घटनाएं कई कई प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह देते हैं, कांग्रेस के लोग भी कह देते हैं, तो शब्दों की मर्यादा नहीं टूटना चाहिए। नदियां बहाने जहां तक शराब का सवाल है, नदियां हमेशा से बहती आ रही, मैं तो पत्रकारिता में इतना लंबा समय गुजार चुका हूं, मैंने किसी सरकार में ऐसा नहीं देखा कि शराब के विषय में बहुत ज्यादा नियंत्रण किसी ने कर लिया, कोशिशें सबने की है, रमन सिंह ने भी बहुत कोशिश की थी, शराब की दुकानें कम की, बहुत सी कोशिशें की, कुछ सफलता मिली, कुछ फिर बाद में फिर असफलता हो गई, वर्तमान सरकार भी कोशिशें कर रही है, शराब की दुकानें कम कर रही है, लेकिन हो नहीं पाएगा। मैं आपको मैं अपने तरफ से दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरह से शराबबंदी छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है, लेकिन हाँ आदिवासी क्षेत्र के लिए यदि कोई रास्ता निकाल लिया जाए तो कुछ किया जा सकता है जी। ठीक है, नितिन भंसाली जी क्या कहेंगे आप? घोषणा पत्र में जिन वादों को लेकर आए हैं निश्चित तौर पर हम उन वादों को पूरा करेंगे, और बार बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई नरेश गुप्ता जी कह रहे हैं, तो उनको भी मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ मोदी जी तक बात पहुंचाओ भैया, जिस प्रकार नोटबंदी की, जीएसटी की, अघोषित लॉकडाउन किया, पूरे देश में शराबबंदी कर दो, स्वागत करते गाली बजाकर स्वागत करते उसका, शराबबंदी होगी नोटबंदी और जीएसटी के जैसे छत्तीसगढ़ में सारी चीजों को मारा जाएगा, सारी चीजों को देखा जाएगा, किसको है नोटबंदी का दर्द, वर्षों के लिए जनता ने जनादेश दिया है, जीएसटी में तीन चोरों को दर्द है ये पूरा देश जानता है, आज फिर एक चोर गिरफ्तार हुआ, आज फिर एक चोर गिरफ्तार हुआ है जीएसटी में, इसी का तो दर्द है, देश चोरों को पकड़ा, अली बाबा 40 किलोमीटर्स को बैठे हैं केंद्र में, उसका इनको दर्द है, गमले में आपके गोभी पैदा करने वाले नेताओं को जब अरेस्ट किया जाता है ना, उसी बात का आपको दर्द है, नेशनल हेराल्ड के टैक्स चोरों को पकड़ा जाता है, अरे कितनी चीजों को साबित किया, सारी चीजों को याद है, और नोटबंदी का आप लोग विरोध करते हो, इसमें सारे भ्रष्ट और बेईमान और टैक्स चोर पकड़ाए जा रहे हैं। चलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं, यहाँ पर हम शराबबंदी पर बात कर रहे हैं, कंक्लूडिंग बात चाहूंगी जी सर आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदाराना पद पर बैठे जो लोग हैं वो अगर भाषा का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस मंच के माध्यम से आप जनता तक आखिर क्या संदेश देंगे? देखिए संदेश तो जैसा सवाल मेरे मित्र कर रहे हैं ना कांग्रेस के, तो जवाब तो उसी स्तर पे देना पड़ेगा, जो सुनना चाहेंगे वो सुनाना पड़ेगा। रहा सवाल शराबबंदी का, शराबबंदी की इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, मैं इस सरकार को इनकी भाषा शैली में जिन भाषा शैली का उपयोग रविंद्र चौबे जी ने किया, आपको तो ये मुद्दा जनता के सामने लेके जाना है, रत्न और कोचिया बिचौली रत्न की सरकार है, लातों की रत्न और बिचौली शराबबंदी के नाम पर धोखा करने वाली सरकार है, और तीन महीने में शराबबंदी अंतिम तीन महीने में करेंगे, ये बताता है इनकी मानसिकता को, और शराबबंदी के नाम पर इनके कान में सुनाई देना बंद कर देता है। आप क्या आश्वस्त करते हैं कि जो वादा किया गया है वो निभाया जाएगा? और बहुत ज्यादा प्लानिंग लगी है, कांग्रेस
कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जुमलेबाजी नहीं करती भाजपा के जैसे। इन्होंने 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, गाय देंगे, क्या क्या वादे किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया किसानों को, हो गया समर्थन मूल्य देंगे, 50 लाख भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आश्वस्त यहाँ पे किया गया है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे आश्वस्त कर रहे हैं, क्या हम उसको सरकार का विजन मान के चले? कहते हैं कि कांग्रेस जो करती है वो आगे निभाएगी भी जो वादा किया है। तो देखिए प्रवक्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि हम करेंगे, मुझे तो विश्वास नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं सरकार की तरफ से कह रहे हैं तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है सर। और वो 3 महीने पहले करें चाहे 5 महीने पहले करें, अगर एक कर देते हैं तो ये इसकी सफलता होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल विश्वास करना ही अंतिम विकल्प है, इसके सिवा कोई दूसरा बात नहीं। आबकारी मंत्री से ज्यादा बड़ा बयान नितिन जी का नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है सर, मुझे जी आरोप नहीं, ये तो तथ्य है ना। अंतिम 3 महीने में विचार करेंगे। ठीक है, और आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि वो उनकी मानसिकता। चलिए नरेश गुप्ता जी, बाकी के साथ आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी, समय की मेरे पास कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर कांग्रेस कह रही है कि वो अपना जो वादा किया है वो निभाएंगे, तो जिस तरीके से बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा, लेकिन इसके लिए चाहिए एक बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग। फिलहाल खास पेशकश में इतना।